फिजियोग्राफी इंडिया की हम कर रहे थे, कुछ फीचर्स मैंने आपको करवा दिए थे, जैसे नॉर्थन माउंटेन्स आपको करवा दिया था, प्लेन्स वाला एरिया करा दिया था। आज जो है हम करेंगे इसका एक नेक्स्ट फीचर जिसे कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है इंडिया में, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से इनमें सेंट्रल हाईलैंड में प्लेटूस जो है वो आते हैं। अब नॉर्थन इंडिया मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो है मैप होना जो है वो जरूरी है, कंपलसरी है, आप साथ मैप जो है वो खरीद लें। अब सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन सा आता है, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अरावली, विंध्या, सतपुरा। ये माउंटेन रेंज से सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आता है इंडिया में, सेंट्रल हाईलैंड में यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, विंध्या माउंटेन रेंज है, सतपुरा माउंटेन रेंज है, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और क्या आता है इसमें, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। ये सब है इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड। इसमें अरावली माउंटेन रेंज है आपकी, विंध्या है, सतपुरा है, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है और छोटा नागपुर प्लेटू आता है। अब हम इन्हें एक एक करके जो है ये मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, लिखवाता मैं इसलिए हूँ आपको ताकि आपके जो है नोट्स जो है वो आपके साथ 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 आपसे प्रिपेयर कर सकें और एग्जामिनेशन में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप सिर्फ वीडियो देख लोगे, नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि इसे साथ साथ मेरे साथ आप इसे नोट डाउन करते रहें। एक एक फ्यूचर हम इसका जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अरावली माउंटेन रेंज, नंबर फर्स्ट डाल लेना अरावली माउंटेन रेंज। आज जो अरावली माउंटेन रेंज है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है इंडिया के ओल्डेस्ट माउंटेन में से आता है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाए कि हिमालयन माउंटेन रेंज ओल्डेस्ट है या अरावली, ये अरावली माउंटेन रेंज इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालय जो है यंगर माउंटेन रेंज है। अब इसके बारे में आपको डाउट होगा कि अरावली ओल्ड कैसे और हिमालय जो है वो यंगर कैसे, इसके जो डाउट है वो आपका क्लियर होगा वर्ल्ड जियोग्राफी, उसकी भी मैं आपको जो है लेक्चर्स इसके बारे में जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके मैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है। अब अरावली माउंटेन रेंज है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज। अरावली इंडिया में ओल्डेस्ट ये कौन से माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज अरावली इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। लेंथ है इसकी 700 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी लेंथ है अरावली की वो है 700 किलोमीटर। अब ये कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, इट पासिस थ्रू, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कौन कौन सी स्टेट से अरावली पास हो रही है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से। और जो दिल्ली रिज है, दिल्ली रिज का आपने नाम सुना होगा, वो लास्ट लेग है किसकी, अरावली की, दिल्ली रिज इज द लास्ट लेग ऑफ अरावली।
दिल्ली रिज जो है वो लास्ट लेग है अरावली की, पास हो रही है। जैसे आपको बता देता हूँ मैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से, और दिल्ली रिज जो है वो लास्ट लेग है किसकी, अरावली की। लेंथ मैंने आपको लिखा दी, बता दिया कि ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है अरावली। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें हाइएस्ट पीक कौन सी है, हाइएस्ट पीक इसमें कौन सी है। हाइएस्ट पीक जो है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर, और इसे क्या कहा जाता है माउंट आबू, जिसकी हाइट कितनी है 1722 मीटर। गुरु शिखर या माउंट आबू जो है वो हाईएस्ट पीक है अरावली की, और इसकी जो हाइट है वो है 1722 मीटर। और ये कहां पे है, लाइजिंग राजस्थान, लाइजिंग राजस्थान, यहां तक आप सबको क्लियर है। गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है, और अरावली से कौन कौन से रिवर ओरिजिनेट होते हैं, रिवर्स जो है कौन कौन से आते हैं इसमें से ओरिजिनेट होते हैं, जो सोर्स है अरावली माउंटेन, कौन कौन से रिवर का ये सोर्स है, लूनी, भानस और साबरमती। लूनी, भानस, साबरमती, लूनी, भानस और साबरमती रिवर जो है अरावली से ओरिजिनेट होते हैं। इनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब रिवर सिस्टम आपको इंडिया का पढ़ाऊंगा, इन रिवर्स के बारे में मैं आपको जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। रिवर इसमें से लूनी, भानस और साबरमती। अब अरावली को विंध्यन माउंटेन से, ऊपर अरावली रेंज है, नीचे विंध्यन माउंटेन है, और इसे जो डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, कौन सा है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसे GBFT कहते हैं, वो सेपरेट करता है अरावली फ्रॉम विंध्यास। विंध्यास माउंटेन से अरावली को जो है सेपरेट करता है वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये अरावली की कुछ फीचर्स है, जैसे ये है यहाँ पे जा रही है अरावली रेंज, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से होके पास कर रही है, यहाँ पे नीचे है विंध्या रेंज, ये है अरावली और ये है विंध्या, और जो इन दोनों रेंज को जो बीच में सेपरेट कर रहे हैं जो चीज, उसे कहते हैं GBF। GBF मीन्स ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो अरावली को विंध्या से सेपरेट करता है। अरावली के बाद जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम है विंध्यास, नंबर सेकंड आप डाल लें विंध्यास, विंध्यास माउंटेन रेंज। विंध्यास माउंटेन रेंज है ये कहां कहां से पास होती है, इट पासिस थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार। विंध्या रेंज कहां कहां से पास होती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार से, और यहां से रिवर्स कौन कौन से निकलते हैं, रिवर्स, रिवर्स जो है कौन कौन से इससे ओरिजिनेट होते हैं, सिंध, बेतवा और केन, सिंध, बेतवा और केन विंध्यास माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। अब अरावली है और विंध्यास माउंटेन है, ये अरावली माउंटेन रेंज, ये विंध्यास माउंटेन रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। अब इनके बीच में प्लेटूस है, एक है मालवा और एक है यहाँ पे बुंदेलखंड, अरावली और विंध्यास, यहाँ पे है मालवा प्लेटू और यहाँ पे है बुंदेलखंड प्लेटू। अब हम इन प्लेटूज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेटू जो होता है ये एक फ्लैट टेबल लैंड होता है। अब मालवा जो है, मालवा प्लेटू सबसे पहले हम देखते हैं मालवा, नंबर थर्ड भी आप इसे डाल सकते हैं मालवा। ये कहाँ कहाँ पे पड़ता है, इस रीजन में पड़ता है, इस रीजन में है, जैसे मैंने आपको विंध्यास माउंटेन बताया कहाँ कहाँ से पास हो रही है, अरावली कहाँ कहाँ से पास हो रही है। जो मालवा प्लेटू है ये पड़ता है वेस्ट मध्य प्रदेश एंड ईस्टर्न राजस्थान। मालवा प्लेटू कहाँ पे है, वेस्टर्न
मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान। मालवा प्लेटू कहाँ कहाँ पे है? वेस्टर्न मध्य प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? चंबल बैडलैंड। यहाँ पे हाई सॉइल इरोजन होता है, हाई सॉइल इरोजन, और इसे क्या कहा जाता है? चंबल बैडलैंड्स। चंबल बैडलैंड्स। मालवा प्लेटू के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये था मालवा प्लेटू, वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान के एरिया में सोयल इरोजन की वजह से यहाँ पे बैड लैंड है, इसे क्या कहा जाता है? चंबल बैड लैंड है, सोयल इरोजन बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरा है बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड कहाँ कहाँ पे है? बुंदेलखंड पड़ता है मध्य प्रदेश नॉर्थन एंड उत्तर प्रदेश साउथर्न। मध्य प्रदेश नॉर्थन, नॉर्थन मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के ऊपर जो है यूपी की स्टेट है, तो इसका मतलब यूपी वाला कौन सा एरिया होगा? साउथर्न उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश साउथर्न। यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बैड है, बैड ड्रेनेज सिस्टम, बैड ड्रेनेज। मालवा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, विंध्यास रेंज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब ये हो गया, अब एक प्लेटू हमारा और बचता है जो है कौन सा? छोटा नागपुर प्लेटू। CHOTTA, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू ये कहाँ पे है? मेनली ये झारखंड में है, और छोटे नागपुर प्लेटू सोर्स है रिवर दामोदर का। दामोदर रिवर इसके बीच से होके जाता है, दामोदर रिवर, दामोदर रिवर, दामोदर। छोटा नागपुर प्लेटू ऊपर है हजारीबाग, नीचे है रांची, रांची और हजारीबाग। यहां से रिवर दामोदर होके आगे जाता है वेस्ट बंगाल में। पहले इसे सारो ऑफ बंगाल कहा जाता था, बंगाल की सारो कौन सा था रिवर था? वो था रिवर दामोदर। अब इस रिवर दामोदर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ बंगाल, और छोटा नागपुर प्लेटू है ये छोटा नागपुर प्लेटू इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, हजारीबाग में और रांची में। और ये छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है? झारखंड, मेनली इन झारखंड। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है? झारखंड में। और छोटा नागपुर प्लेटू है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, आयरन और बॉक्साइट, लाइमस्टोन। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड स्टोर हो सा मिनरल्स का, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं यहाँ से, कोल है, आयरन और है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है। अब ये इसमें से कौन सा रिवर निकलता है? रिवर दामोदर, सोर्स ऑफ रिवर दामोदर। देखो इससे आपका रिवर जो है वो भी क्लियर हो रहा है, रिवर्स के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और रिवर सिस्टम के बारे में डिटेल में मैं आपको अगली जो है अपनी जो नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरी बनेगी वो रिवर सिस्टम के बारे में बनेगी। सोर्स ऑफ रिवर दामोदर है, और ये रिवर दामोदर जो है ये कहाँ पे जाता है? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। और रिवर दामोदर को पहले मैंने आपको क्या कहा था कि पहले इसे कहा जाता था क्या? सारो ऑफ बंगाल, सारो ऑफ बंगाल। अब रिवर दामोदर को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ बंगाल।
पहले सरोवर बेगाल, अब लाइफ लाइन ऑफ बेगाल। इंडिया में सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेटो में। नागपुर प्लेटो से रिवर दामोदर, मैंने आपको बता दिया रिवर दामोदर ओरिजिनेट होता है, और कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है और यहाँ से होता है सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा ये भी कहाँ पे जाता है? सुबर्ण रेखा भी कहाँ पे जाता है? बे ऑफ बंगाल में। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्लेटू है जिसका नाम है मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू एम ई जी एच ए एल ए वाई मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू, अब मेघालय प्लेटू में हिल्स आती हैं गैरो खासी जयंतिया हिल्स। ये आपका मेघालय प्लेटू है, यहाँ पे है गैरो खासी और जयंतिया हिल्स। अब इन्हें गैरो खासी और जयंतिया हिल्स भी कहा जाता है, यहाँ के ट्राइब्स हैं ये गैरो खासी और जयंतिया, उन्हीं के नाम पे जो है इन हिल्स का जो है वो नाम पड़ा है। और मेघालय प्लेटू से क्या होता है? कोपली रिवर ओरिजिनेट होता है। कोपली रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस प्लेटू। कोपली रिवर मेघालय प्लेटू से ओरिजिनेट होता है, और कोपली रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसी ब्रह्मपुत्र की, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कोपली रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, अब जो पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है? इसके एक तरफ तो वेस्टर्न घाट है, एक तरफ इसके ईस्टर्न घाट की रेंज है, और नॉर्थ में इसके सतपुरा मेकाला और सतपुरा महादेव और मेकाला हिल्स है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू एक तरफ है, इसका बॉर्डर है एक तरफ वेस्टर्न घाट एक तरफ ईस्टर्न घाट, और जो इसके नॉर्थ में जो है इसे बॉर्डर कर रही है वो है सतपुरा महादेव और मेकाला हिल्स जो है इसे बॉर्डर कर रही हैं। डेक्कन प्लेट्यू मैंने आपको बताया है इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स कौन सी तरफ है? वेस्टर्न घाट्स है तो वेस्ट की तरफ होंगे, वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट। ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में और सतपुरा महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। क्लियर है आपको? डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट्स वेस्ट की तरफ, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की तरफ है, सतपुरा महादेव हिल्स जो है यहाँ पे इसके नॉर्थ की तरफ है, जो आपको क्या बनाता है? डेक्कन प्लेट्यू बनाता है। अब डेक्कन में हम सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे वेस्टर्न घाट्स, नंबर फर्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम बात करें, अब वेस्टर्न घाट्स कहां से कहां तक है? ये आपकी कोस्टल स्टेट में है वेस्ट की तरफ, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात टू तमिलनाडु। इसके साथ आपको कोस्टल स्टेट्स में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी कोस्टल स्टेट है जिसे वेस्टर्न घाट्स होके जाते हैं, वो है आपकी गुजरात, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद आपकी आती है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, और केरला के बाद तमिलनाडु। ये वेस्टर्न घाट है गुजरात टू तमिलनाडु, गुजरात से लेके तमिलनाडु। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि एट पासिस थ्रू कहाँ कहाँ से पास होते हैं, एट पासिस थ्रू स्टेट्स में डाल दी है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, वेस्टर्न घाट्स और हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूज देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स से इनका एलिवेशन जो है सी लेवल से इनका एलिवेशन जो है वो हायर है, और ये कंटिन्यूज माउंटेन रेंज है, और ये कंटिन्यूज है ईस्टर्न घाट से। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट में आपको बताऊंगा कि ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू कैसे हैं और वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूज है। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूज ऐसे कि बहुत सारे रिवर्स जो है उसको जो है ईस्टर्न घाट को उन्होंने इरोड किया हुआ है, इसलिए ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूज रेंज है और वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूज रेंज है। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन, और वेस्टर्न घाट्स इज आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वेस्टर्न घाट आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे WHS भी कहते हैं। वेस्टर्न घाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट नेम्स है, डिफरेंट स्टेट में से डिफरेंट नेम्स से जो है वो पुकारा जाता है, कहा जाता है, इसके डिफरेंट लोकल नेम्स जो दिए हैं। वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड, अब वेस्टर्न घाट्स के जो डिफरेंट नेम है, शायदरी, शायदरी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन्हें क्या कहा जाता है, शायदरी, शायदरी कहा जाता है इन्हें महाराष्ट्र में, जिसका लोकल नेम है। नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स का आपने नाम सुना होगा, वही वेस्टर्न घाट्स है। नीलगिरी इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, नीलगिरी है इनका नाम कहां पे, कर्नाटक और तमिलनाडु। कार्डेमम एंड अन्नामलाई, कार्डेमम एंड अन्नामलाई इन केरल। ठीक है, कार्डेमम और अन्नामलाई ने कहां पे कहा जाता है, केरल में इन्हें कार्डेमम और अन्नामलाई कहा जाता है। अब यहां पे जो है इंडिया की, अगर इंडिया को हम नॉर्थ नॉर्थ और साउथ में अगर डिवाइड करें, जो साउथर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक्स हैं, साउथर्न इंडिया की, नॉर्थर्न इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की आपको मैंने बताया है हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पे, वर्ल्ड की क्या, इंडिया की क्या, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स हैं। और जो साउथर्न इंडिया में हाईएस्ट पीक्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में हैं, अन्नामोदाई, अन्नामोदाई जो है इसे कहा जाता है, हाईएस्ट पीक 2,695 meters lies in अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, 2,695 meters इसकी हाइट है, लाइज इन अन्नामलाई हिल्स, हाईएस्ट पीक भी इसे कह सकते हैं आप, साउथ इंडिया की इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया।
इंडिया की हाईएस्ट पीक अनिल मदर। अब सेकंड हाईएस्ट पीक वो भी यहीं पे है साउथ इंडिया की, फॉलोड बाय डोडा, डोडा बेटा इसका नाम है, डोडा बेटा इसकी हाइट है 2637 मीटर जो है डोडा बेटा की हाइट है। आप इसे यहाँ तक जो है नोट डाउन करें। वो ये जो डोडा बेटा है ये कहाँ पे है, नीलगिरी हिल्स में। इसी तरह देखो आपको इंडिया के बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है यहां से मिल गई। आज दिन के बारे में आपने इंडिया के आज दिन के बारे में अपनी वीडियोस में जो है फर्स्ट ही चैप्टर में मैंने आपको करवा दिया था। ये थे वेस्टर्न घाट्स के बारे में। आप जो है यहाँ से जो है इसे नोट डाउन कर लें, नोट्स बनाए। अब हम चलते हैं ईस्टर्न घाट्स की ओर। वेस्टर्न घाट्स हमने कर लिए है, ईस्टर्न घाट्स है, लो हिल्स है और डिसकंटिन्यूज है, लो हिल्स एंड डिसकंटिन्यूज रेंज है, ये डिसकंटिन्यूज रेंज है। इसे इरोड किया है कौन कौन से रिवर ने, इरोडेड बाय रिवर्स कृष्णा, गोदावरी, GODAWARI कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी लो हिल्स है और डिसकंटिन्यू रेंज है। और इरोड किया है किस किस से रिवर ने, इरोजन की वजह से जो है इरोडेड किया, उसकी वजह से किया है, ये डिसकंटिन्यू रेंज है कृष्णा गोदावरी और कावेरी ने। अब इसके जो है डिफरेंट नेम्स हैं जैसे पालकोंडा, महेंद्रगिरी, महेंद्रागिरी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, महेंद्रागिरी हिल्स और नल्लामल्ला हिल्स आर द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, सॉरी आर द पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, आर द पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। पालकोंडा महेंद्रगिरी नल्लामल्ला हिल्स से पार्ट्स हैं किसके, ईस्टर्न घाट्स। यह है ईस्टर्न घाट्स के बारे में मैंने आपको बताया, डिसकंटिन्यूज रेंज है, इरोड किया रिवर कृष्णा गोदावरी और कावेरी ने, पालकोंडा महेंद्रगिरी और नल्लामल्ला हिल्स जो है ये पार्ट्स हैं किसके, ईस्टर्न घाट्स हैं। अब नेक्स्ट जो है नीलगिरी हिल्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी जो हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स में आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि नीलगिरी हिल्स जो है मीटिंग पॉइंट है किसका, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। नीलगिरी हिल्स जो है ये मीटिंग पॉइंट है किसका, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का जो मीटिंग पॉइंट है उसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स। अब सतपुरा हिल्स, सतपुरा हिल्स, अब सतपुरा हिल्स के जो डिफरेंट नेम है जैसे महाराष्ट्र में ग्वालियरगढ़, ग्वालियरगढ़ इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ग्वालियरगढ़ कहा जाता है, महादेव इन मध्य प्रदेश, महादेव इन मध्य प्रदेश और मेकाला इन छत्तीसगढ़, मेकाला इन छत्तीसगढ़।
आपके सतपुरा हिल्स, ग्वालियर, महाराष्ट्र, महादेव मध्य प्रदेश, महादेव कहा जाता है मध्य प्रदेश में, और बेकाला कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। कुछ प्लेटूस हैं और उनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू। अब अमरकंटक प्लेटू क्या है? ये मीटिंग पॉइंट है विंध्या और सतपुरा का, मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्या एंड सतपुरा। अमरकंटक प्लेटू मीटिंग पॉइंट है विंध्या और सतपुरा का। और अमरकंटक प्लेटू सोर्स है रिवर का, कौन कौन से रिवर से निकलते हैं? सोर्स ऑफ नर्मदा और सोन निकलते हैं यहाँ से, नर्मदा एंड सोन। और नर्मदा जो है ये कहाँ पे जाके गिरता है? आपको पता है रिवर नर्मदा जो है वो अरबी सी में जाके मिलता है। नर्मदा कहाँ पे मिलता है? नर्मदा अरबियन सी, अरब सागर में। और ये सोन है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सोन जो है वो क्या है? सोन जो है वो ट्रिब्यूटरी है इसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हो गया यहां तक आपका, ये था अमरकंटक प्लेटू के बारे में। इससे आपको रिवर की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, नर्मदा और सोन, नर्मदा अरबी सी में, और सोन जो है वो ट्रिब्यूटरी है इसकी गंगा। अभी अमरकंटक प्लेटू ये है कहाँ पे है? अमरकंटक प्लेटू जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे लिख देता हूँ मध्य प्रदेश। बहुत सारी आपको जो है इंफॉर्मेशन जो है इस लेक्चर से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और उसके बाद है बैतूल प्लेटू, बैतूल प्लेटू, बैतूल प्लेटू कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। बैतूल प्लेटू से निकलता है रिवर तापी, सोर्स ऑफ तापी या तपती उसे कहा जाता है, तापी या तपती। और ये रिवर भी जाके कहां पे मिलता है? अरेबियन सी में, अरब सागर में, अरेबियन सी। अब इसके बाद करते हैं कर्नाटक प्लेटू के बारे में डिस्कस। कर्नाटक प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू में रीजन्स हैं, एक है मलनाड जो है ये हिंदी रीजन, हिंदी रीजन। कर्नाटक प्लेटू में एक है मलनाड हिली रीजन जो वेस्ट की तरफ है इसके, और एक है मैदान जो कहां पे है? ईस्ट की तरफ। और कर्नाटक प्लेटू में है बाबा बुडान सील्स, जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में कॉफी प्रोड्यूस की जाती है, बाबा बुडान हिल्स, बाबा बुडान हिल्स। ये कहां पे है? मलनाड और मैदान के बीच में, लाइज बिटवीन मलनाड एंड मैदान, मलनाड और मैदान के बीच में है। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसे? कॉफी के। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। इसी के साथ आपका इंडिया का स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी जो चैप्टर है मैंने कंप्लीट करवा दिया। फुल डिटेल में मैंने आपको इंफॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करती है। इसका जो फीचर्स है, जो आइसलैंड वाला फीचर्स है, वो मैं आपको जो है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है जो चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का मैंने करवाया था। आप एनसीईआरटी क्यों ले रहा हूँ? एनसीईआरटी जो है सोर्स है, एनसीईआरटी से ही जो है आपकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए होते हैं। अब जो क्वेश्चन जो आइसलैंड के बारे में जो है वो मैंने आपको करवा दिया है, फर्स्ट चैप्टर आप मेरा देखेंगे स्ट्रक्चर सॉरी इंडिया लोकेशन का, उसमें मैंने आपको आइसलैंड के बारे में बता दिया है। और ये टॉपिक यहाँ पे हमारा
कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और ये जो इन वीडियोस को हैं इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करें आपके जो भाई बहन। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर 11th में पढ़ रहे हैं तो 11th क्लास में ज्योग्राफी उनका सब्जेक्ट है, तो आप उनको जो है ये वीडियो जो है वो शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से जो है नॉलेज हासिल कर सके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मैं आप तक इतनी इन्फॉर्मेशन लेके इतनी मेहनत करके आप तक ये जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ तो आपका भी ये काम बताएं कि आप मेरे चैनल को अगर आप व्यूवर से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें।